कोर्स ज्वाइन नहीं करा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो और एक यूट्यूब पे क्रिएटर बन के लाखों रुपए कमाओ यार। चलो अभी चलता हूं लेके सीधा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, सो दैट कि आपको दिखा सकूं गूगल का इस्तेमाल करके कैसे आप क्लाइंट जो है वो ढूंढ सकते हैं और बहुत ही आसानी से। चलिए हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं सीधा ही विदाउट वेस्टिंग टाइम टू वर्ड्स दी गूगल। तो ये रहा गूगल, और जैसे मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गूगल नहीं, आपने लिखना है map.google.com, मैप पे जाना है और यहां पे जाके आपने सर्च करना है एग्जाम्पल के लिए, लेट्स से कोचिंग इंस्टीट्यूट इन जोधपुर। मैं जोधपुर से हूं तो मैंने जोधपुर सर्च करा, एंड यू कैन सी यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड है ना इसको छोड़ देना आपने। उसके बाद जो है यहाँ पे इनकी वेबसाइट नहीं है, है ना, पहले बात करते हैं जिनके लिए वेबसाइट के लिए। अब वेबसाइट किसकी नहीं है, इसकी वेबसाइट नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखिए तो ये जो लिखा हुआ इनकी वेबसाइट है, यानी कि वेबसाइटें भी लोग बनवा रहे हैं, भले वो कोचिंग सेंटर्स हैं फिर भी स्टिल वेबसाइट्स बनवा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो वेबसाइट्स वाले जो लिंक है इनको सभी को चेक करना है। क्यों चेक करना है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है जैसे इसका तो है ही नहीं है, तो इसको तो हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। कैसे करना है, यहां पे क्लिक करना है तो आपको जो है यहां पे मिल जाएगा इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपने जो है इसको जो है डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो क्लाइंट को वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। अब यहां पे ये वेबसाइट इसकी दिख रही है कि इसने वेबसाइट डाल के रखी है, लेकिन क्या होता है ना कई बार वेबसाइट की जगह पे कोई सोशल मीडिया का जो लिंक है वो डाल दिया जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको चेक कर लेना है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। इनकी वेबसाइट है चलो बहुत अच्छी है, और किसी की वेबसाइट है इसमें लेट्स सी, तो ये भी आपकी वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है। तो जिसकी ये देखो एक और मिल गया जिसकी वेबसाइट नहीं है, इसको आपने नोट कर लेना है। फिर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं अपन, लेट्स से ये भी इसकी वेबसाइट नहीं है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लेट्स सी कि आई हैव डाउट कि इनकी जो है वेबसाइट है कि नहीं है। ओके, इनकी भी वेबसाइट अवेलेबल है, यू कैन सी। अभी यहाँ पे चलते हैं और नीचे चलते हैं, इनकी वेबसाइट नहीं है, आप इनको रीच आउट कर सकते हो, यू कैन सी काफ़ी सारी हैं यहाँ पे जिनको आप रीच आउट कर सकते हो। और यहाँ पे और नीचे चलते हैं, ये इस पे चलते हैं, लेट्स सी कि इनके पास में जो है वेबसाइट है या नहीं है। तो इनके पास में वेबसाइट है, यू कैन सी ये वेबसाइट जो है बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ बना रखी है। तो अब आपको क्या मिल गया, एक क्लाइंट मिल गया जिसको आप अप्रोच कर सकते हो, राइट, अच्छी एक डायनेमिक वेबसाइट देने के लिए। तो ये आप कर सकते हो ऐसे, इस तरीके से आपने क्या करना है, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप अप्रोच कर सकते हो वेबसाइट डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें, राइट। अब बढ़ते हैं पहला चीज, दूसरा चीज क्या है, आपको देखो करना कुछ नहीं, इनको आपने चेक करना है। अब इसका मुझे नहीं है तो इसको क्या करना है, यहां पर क्लिक करो और यहां पर आपको नंबर मिल जाते हैं, और ये जो नंबर है आप उस पर कॉलिंग कर सकते हो या उनके पास, देखो यहां पर इन्होंने वेबसाइट बना कर, आप वेबसाइट ओपन करके देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे ये मैंने वेबसाइट ओपन करी, आपको लगता है कि यार बहुत अच्छी है तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो आप। जिनकी ऐसी जैसे ये वेबसाइट मिल गई, राइट, इसको वेबसाइट के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। लेकिन जिनकी वेबसाइट बहुत अच्छी हैं आप उनको फिर क्या करना है, आपने उनको अप्रोच करना है फॉर SEO। अब SEO के लिए क्या करना है, आपने SEO के लिए जो है आपने कुछ टेक्निकल चीजें, देखो जब तक होमवर्क नहीं करोगे ना तब तक काम नहीं चलेगा। अगर आपको SEO आता है तो SEO के लिए भी आपने क्या करना है, पूरी वेबसाइट को एनालाइज करना है कि SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO, राइट, ये बैकलिंक्स वगैरह ये सब चीजें आप पहले से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है बहुत सारे फ्री के टूल मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से इस पे मुझे देखना ट्रैफिक है कि नहीं है, राइट, ट्रैफिक नहीं है, है कि नहीं, तो मैं बहुत सिंपल सा, यू कैन सी यहाँ पे कई सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाते हैं चेक करने के लिए। मैं यहाँ पर जो है करता हूँ सिमिलर वेब का, जस्ट मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यार ये देखो इनकी वेबसाइट तो है लेकिन वेबसाइट पे कोई एक भी पिछले महीने में एक भी विजिटर नहीं है, राइट, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। लेकिन बिजनेस है, बिजनेस की तरह काम करेगा, मेहनत आपको बिजनेस में करनी पड़ेगी। तो यू कैन सी यहाँ पे इनका पिछले एक महीने में कोई भी ट्रैफिक इनको नहीं मिला है। तो आप ये पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए, ऑन पेज SEO हो गया है, ऑफ पेज SEO हो गया है, टेक्निकल SEO, जो भी इनके अलग अलग फैक्टर्स हैं उसको पूरा एक रिपोर्ट बनाइए।
वो रिपोर्ट बनाकर जो है साथ में आप उनको अप्रोच कीजिए, तो डेफिनेटली आपको एसईओ के लिए भी क्लाइंट मिलेंगे और आपको जो है वेबसाइट के लिए क्लाइंट भी मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, तो क्या और भी कोई आइडिया है? बिल्कुल आइडिया है। तो चलो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स से स्कूल्स इन जोधपुर राजस्थान में सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर भी यू कैन सी कई सारे आपके पास में स्कूल्स हैं, इनकी वेबसाइटें आप चेक कर सकते हो, परफेक्ट है कि नहीं है, राइट, ये चीजें चेक कर सकते हो अगर वेबसाइटें मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिनकी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल नहीं, स्कूल अवेलेबल है लेकिन वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यू कैन सी ये एक आपका स्कूल है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट ही नहीं है, तो सेम कॉन्सेप्ट इनका भी, राइट, ये देखो कितना बड़ा अच्छा स्कूल है लेकिन इनके पास में कोई भी वेबसाइट नहीं है। तो आप इनको अप्रोच करो, भाई स्कूल खोला है तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तभी ओपन किया गया है। तो ये जो है आपको काम करना पड़ेगा और भर भर के आप सर्च करो, जैसे मैंने दो चीजें चेक करके बता दी, ऐसे आप डॉक्टर्स को सर्च कर सकते हो, ऐसे और जो बिजनेस हैं मार्केट के अंदर आपके लोकल में आप उनको अप्रोच कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, एक बंदे को लगा दो भाई मैं मेहनत कर, और ये करने के बाद में फिर आपका सेकेंड काम क्या होता है, ये पूरी लीड को निकालना है, उसके बाद में इनको जो है अप्रोच करना है। अब अप्रोच में आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो आपके पास में इंटरेस्टेड हो, कैसे एक क्लाइंट को क्लोज करना चाहिए, कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, राइट, ये सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या करना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, ताकि मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो भी आप बनेगा मेरा उसके अंदर जो है मैं आपको ये पूरा क्लाइंट क्लोजिंग जो होता है उसको, लीड को क्लोजिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। आई होप गाइज कि यहां पर जो है गूगल मैप का इस्तेमाल करके आप जितने क्लाइंट, अभी ये तो आपकी लोकल सिटी होगी, अगर आप लोकल में खत्म हो गए तो दूसरी और जो नियर बाय सिटीज होंगी, धीरे 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 नेशनल लेवल पे ले जाओ, डायरेक्टली नेशनल लेवल पे काम मत करो, पहले अपना एक ट्रस्ट बनाओ, एक पोर्टफोलियो रेडी करो, फिर उसके बाद जो है आप एक कैटेगरी पकड़ो और उसी में आगे से आगे जो है बढ़ते चला, देखो फिर उसके बाद में कैसे आपको क्लाइंट नहीं मिलते, डेफिनेटली भर भर के क्लाइंट्स जो है आपको मिलेंगे। और वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे डिजिटल मंजीत चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में बहुत सारी, चाहे वो आपके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, क्लाइंट लीड से रिलेटेड हो, या फिर जो है आपके एफिलिएट से, या फिर ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हो, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर में मिलने वाला है। सो गाइस आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि गूगल एक ऐसा टूल है जहां से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा लगाना है तो ब्रेन लगाना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि अब जो आगे क्लाइंट आपने ढूंढ लिया उनको कैसे आपने अप्रोच करना है, क्या लिख के भेजना है, कॉल करनी है या ईमेल भेजना है या आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजना, अगर भेजना है तो उसमें क्या लिखना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिप्लाई मिल सके, तो क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, कमेंट में लिखना है कि यस वी नीड दिस। इतना लिखोगे अगर मेरे पास जो है कमेंट्स आपके आए तो इसका मतलब है आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और मैं आपको उस तरह का वीडियो जो है जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको स्क्रिप्ट बनानी है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, और ताकि आपके जो क्लाइंट्स हैं आपको रिप्लाई ज्यादा से ज्यादा दें और आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को क्लोज कर सकें। अगर ये वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टाइटल के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।